के लिए खत्म होगा मेरे नाल, तुम मालवा नरेश के पांव थोगे। अपमान पूरा हुआ, मेरे नाल ने मेरे पांव थो दिए हैं। ये प्रतिमा मनोभावना है मेरी राजकुमारी के प्रति। राजकुमारी मृणाल मुझ पे अंतिम बार करेंगी, यही मेरी आखिरी इच्छा है। सरयाम चुंबन, कौन करेगा इस राजकुमारी से विवाह? सुना था महल की दीवार के पीछे गंदगी होती है, आज देख भी लिया। क्यों तपा रही है? राधेव रक्षा, हमें तुरंत महाराज को सूचित करना चाहिए और गुरु आदित्य को भी। नालवा क्या कर रही थी? चार इतना कर बैठे, खंजर किसके लिए गरम कर रही थी? स्वयं के लिए या किसी और के लिए? क्या हुआ विलास, आप ऐसे क्यों भाग रही हैं? मिनालबुआ खंजर का एक चेहरा लाल कर रही है, जो दिन तक रोक के मारे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे आज के दिन हमें बहुत डर लग रहा है। आप क्या कर रही है? छोड़ो हमें तलब। अका छोड़ दीजिए। तलब छोड़ो। अका आपको मेरी सौगंध छोड़ दीजिए। तलब। अका। आप कैसा उन्माद का? तुम हमारी अवा क्या कर रहे हो तलब? अका। ये उन्माद नहीं, हमारा विरोध है तलब। विरोध है हमारे इस त्वचा से। तलब, तलब समूचा दोष इस त्वचा का है। हम निकाल फेंकेंगे इस त्वचा को, नहीं चाहिए हमें। तलब, तलब इसी ने घाव दिए हमें। अक्का, अगर अपनी बहन के आत्मघाती रवैये से उसकी रक्षा करना अवज्ञ है तो हम यह अवज्ञ सहर्ष करेंगे। तो वध कर दो हमारा, नहीं तो हमें वो करने दो जो हम करना चाहते हैं। तलब। अक्का, मैं आपकी वेदना समझता हूँ, लेकिन आप जैसी समर्थ स्त्री को दुर्बलता शोभा ही नहीं देती। ये दोष आपकी त्वचा का नहीं है अक्का, नहीं, ये दोष है पृथ्वी वल्लभ का। पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ को हम ऐसा दंड देंगे कि पूरी सृष्टि कांप उठेगी। ऐसा कठोर दंड देंगे कि उसकी आत्मा क्षमा की याचना मांगेगी या मृत्यु मांगेगी। किंतु ना तो उसे मृत्यु दी जाएगी और ना ही क्षमा। नाल, हम अभी और कभी भी पृथ्वी को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। गुरुदेव, किंतु हम उसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। पृथ्वी के लिए किसी भी कार्रवाई करने का यह उचित समय नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो मृणाल। हेमराज अभी भी मान्यखेट में ही है।
यदि हमने पृथ्वी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया और उसकी भनक हिमराज को लग गई, वो पूरे भारत को मान्यखेट का शत्रु बनाकर हमारा अस्तित्व तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो हिमराज के जाते ही हमें सूचित किया जाए। कोई विशेष कार्य? आप चिंतित प्रतीत हो रहे पिताजी, हम बाद में आते हैं। परंतु हम आपकी चिंता की वजह जान सकते हैं पिताजी? कदाचित हम आपकी मदद कर सके। हम अभी किसी से कोई बात नहीं करना चाहते, आपसे बाद में बात करेंगे। सत्या से अवश्य आपको ही गंभीर बात करने आए होंगे। कोई गंभीर कारण ना होता तो आप हमारे कमरे तक नहीं आते। बताइए क्या बात है? गंभीर तो है। समय अभी उपयुक्त नहीं। समस्या तो राजाओं के जीवन का हिस्सा है सत्याशय। एक समस्या के लिए दूसरी समस्या पर ध्यान ना देना कर्तव्य विमुख होना है। बताइए क्यों आए हैं आप? पिताजी, जनता में मृणाल बुआ को लेकर कदाचित हमें कुछ कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। हम अक्का से बात करेंगे। एक और बात सत्याशय, आप केवल हमारे पुत्र ही नहीं, मान्यखेट के युवराज भी हैं। और आपका यह अधिकार है कि चालुक्य वंश के विरुद्ध कोई बात करे तो आप उसके सामने मुखर हो उत्तर दें, सही और गलत का निर्णय करने लायक हो गए हैं। किंतु प्रश्न पूछने वाले मुख अगर अपने राज्य के होंगे, अपने लोग होंगे, तो उनका समाधान करना इतना सरल नहीं होता। हम ख्याल रखेंगे। आज्ञा दीजिए। आचार्य, संभवतः आप तो भारतवर्ष के युद्ध और सीमा समझौते से अवगत होंगे। जी पंत श्रेष्ठ, किंतु आप अपनी बात कहें। राजकीय बंदियों को जीवन जीने के लिए अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, रुग्णावस्था में उचित चिकित्सा और उनके आध्यात्मिक क्रियाकलापों में विघ्न न डालने की व्यवस्था की जाती है।
आप तो इन नियमों के बारे में जानते ही। बस इतना निवेदन है कि तैलप और मृणाल को भी इस बारे में बता दिया जाए, उन्हें स्मरण करा दिया जाए राजनीतिक बंदियों के कारागृह अधिकारों से, अन्यथा इसके दुष्परिणामों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। आप ऐसी चिंताओं से मुक्त रहें पंतश्रेष्ठ, गजकेसरी की उचित मांगों को पूरा किया जाएगा, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। सुनकर मन शांत हुआ आचार्य। यहां का परिवेश अनायास ही अप्रिय हो गया है, इसलिए मन में यह दुश्चिंता ने प्रवेश किया, पर अब आपने उस चिंता को भी दूर कर दिया। अपनी कृपा दृष्टि मान्य खेट पे यूं ही बनाए रखिएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए आचार्य। ध्यान रहे आचार्य, हमारा गजकेसरी संपूर्ण भारतवर्ष का हितैषी, इसलिए उसके हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। जी पंत श्रेष्ठ। गजकेसरी समर्थ हो, भारतवर्ष अखंड रहे। पृथ्वी के द्वारा मृणाल का चुंबन समूचे क्रम जी। इसमें अक्का का दोष नहीं, प्रतिद्वंदी के मस्तिष्क को पलक झपकते पढ़ पाना नामुमकिन है, और वो भी ऐसी कलीस हरकत को। यही तो मैं कह रहा था, हमसे चूक हो गई है महाराज। मृणाल पूरी दुनिया की रक्षा करती है और हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए। शत्रु तो हौसला ध्वस्त करने के लिए चाल आजमाता रहेगा, हमें सतर्क रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते, किंतु सतर्क हमें रहना है महाराज। मैं ये नहीं कह रहा कि आप राजकुमारी की रक्षा नहीं कर सकते, किंतु राजकुमारी को भी सहयोग करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि आप उनसे छोटे हैं, लेकिन हैं तो राजा इस मान्यखेट के। कब तक छोटे बने रहेंगे? सोच तो छोटी नहीं है, दायित्व तो छोटे नहीं है आपके। संपूर्ण राज्य, पूरे परिवार, आपकी बड़ी बहन, सबका दायित्व है आप पर। मुझे तो ये सोच कर चिंता हो रही है कि समाज इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया करेगा, सब क्या कहेंगे कि तैलप राज अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाए। एक भाई के होते हुए बहन की गरिमा पर आंच आ गई। राजकुमारी या राज परिवार का कोई भी सदस्य प्रजा के लिए आदर्श होता है। राज परिवार का हर एक कर्म, छोटी सी छोटी घटना का प्रजा मूल्यांकन करती है और उसी की दुहाई देती है। हर समाज में किसी के चरित्र को मापने के अपने कुछ नियम होते हैं, अपने मापदंड होते हैं, जिसके प्रति वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कठोर रहता है। एक बार अगर वो कोई निर्णय ले ले तो फिर उसे वो बदलते नहीं है। कोई एक घटना किसी के चरित्र का विश्लेषण नहीं कर सकती, और ये इतनी भी महत्वपूर्ण बात नहीं है। ऐसा आपका मानना है, किंतु समाज ऐसा नहीं सोचता। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण किंतु सत्य। आप भले इस घटना को कितना भी छोटा मानने पर समाज इसे छोटा रहने देगा नहीं।
और इसका परिणाम अक्सर स्त्रियों के विरुद्ध ही जाता है। राजकुमारी, मानेखेट पर एक नया संकट आ गया है। चोल वंश की सेना ने हमारे दक्षिणी प्रांत की सीमा पर अतिक्रमण कर दिया है। कब हुआ ये? एक दिन पहले। तो ये सूचना देने में इतना विलंब क्यों? अब इस मौन का क्या अर्थ है? दूत तो इस सूचना को लेकर कल ही आ गया था, किंतु ना जाने क्यों विक्रमजीत ने इस सूचना को आप तक पहुंचने नहीं दिया। इतनी महत्वपूर्ण सूचना से हमें वंचित रखा गया। चोल राज्य को जैसे ही भनक पड़ती है कि हम मानेखेट में हैं, उनकी घुसपैठ शुरू हो जाती है। हम दक्षिण जा रहे हैं मोर्चा संभालने के लिए। इस बार का युद्ध निर्णायक युद्ध साबित होगा। अगली बार नजर डालने से पहले ही दहल जाने चाहिए ये चोल। हम विलमराज के प्रस्ताव से सहमत हैं, किंतु इस बार उनके साथ हम सेना की कुछ नई टुकड़ियां भी भेजने वाले हैं, जिसका नेतृत्व राजकुमार सत्याश्रय करेंगे। बहुत उचित सुझाव है। स्वागत है सत्याश्रय। समय आ गया है। मान्यखेट के राजकुमार अपने राज्य के लिए अपने दायित्वों को निभाना शुरू करें। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतरना किसी भी नागरिक योद्धा के लिए गर्व की बात होती है, और भिल्लमराज जैसे योद्धा के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सत्याश्रय। तैलब, इतनी महत्वपूर्ण बैठक में तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया? यूं निरुत्तर होना इस सभा को शोभा नहीं देता। आका, आपका क्रोधित होना उचित है, किंतु इतना बड़ा मामला नहीं है। हमें लगा हम आपको नाहक कष्ट क्यों दें, और ऐसे मामले पहले भी हुए हैं और उनका निदान भिल्लमराज ने बखूबी किया है। तैलब, तुम चोलों के राजा को कम आंक रहे हो। उपचरों से मिली सूचना के अनुसार ये बहुत ही धूर्त और महत्वाकांक्षी राजा है। हमें सतर्क और सचेत रहना आवश्यक है तैलब। अका, हमें भी इसका भान है, और भिल्लमराज यथोचित योजना और प्रबंध के साथ रणभूमि में उतरेंगे। अका, आपने मान्यखेट के लिए बहुत कुछ किया है, अब आप विश्राम कीजिए, हमें कार्य करने दीजिए, हमें निर्णय लेने दीजिए। हम आपको निराश नहीं करेंगे। भिल्लमराज, ऐसा नहीं है कि हमें आपकी योग्यता या आपकी योजना पर कोई संदेह है, लेकिन हमारे मन को तसल्ली मिलेगी यदि हम ये जान पाए कि इस युद्ध के लिए आपकी योजना। मृणाल, इस सभा में हमारे आने का उद्देश्य मात्र इतना सूचित करना है कि हिमराज मानखेट से प्रस्थान कर गए, किंतु एक नैतिक जिम्मेदारी हमें सौंप कर गए हैं। पृथ्वी बल्लव की उचित मांगों को पूरा किया जाए। सभी राजनीतिक बंदियों को इसका अधिकार है। वैद्यराज, आपके धन्वंतरी जी बड़े चतुर निकले हैं।
छोटे मोटे रोगों की दवा तो बना दी, ऐसी कोई औषधि नहीं बनाई जो जो शत्रुता मिटा सके। कहिए उनसे ऐसी दवा बनाए कि मन का मैल मिट जाए। हमने अपने जीवन काल में अनेक शूरवीरों का उपचार किया है, किंतु आप जैसा एक भी योद्धा नहीं जो इतनी पीड़ा होने के पश्चात आमोद प्रमोद करे। जीवन के भंवर में फंसे हैं वैद्यराज, तो कष्टों पे क्या रोना दोगा। जब अवसर लगे मुस्कुरा लीजिए, क्या पता फिर अवसर मिले ना मिले। अरे आओ मित्रों आओ। वैद्यराज, आपके मान्यखेट का प्रेम बड़ा अद्भुत है, नए नए तरीके हैं अभिव्यक्ति के। ये क्या कर रहे हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इनके विश्राम में विधान मत डालिए। रहने दीजिए वैद्यराज। जिस प्रकार विष विष की औषधि होता है, हो सकता है ये पीड़ा पीड़ा का उपचार हो। राजवैद्य जी, आपने जितना उपचार करना था कर दिया, अब आप यहां से जाए। हम राजकुमारी जी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, दंड के भोगी होंगे। अब आप जाइए यहां से। सुलोचना जी, लोग झूठ कहते हैं, ये सपने सच नहीं होते। हमने तो जो आंख बंद कर देखा, आंख खोली तो सामने पाया। मोहब्बत का तोहफा लाई है राजकुमारी। गौर फरमाइएगा कि सिलसिले को इस कदर बढ़ाती हो तुम हर मुलाकात में और करीब आती हो तुम। ये चेहरे की रंगत, ये गुस्सा, ये सितम छिपाती हो क्यों, जख्म देती हो, खुद ही जलती हो, बन जाती हो मरा। तो जैसे ही होश आता है हमें सूचित किया जाए। लाल बुआ, आपने जो मुझे जख्म दिए हैं वो हमारे पतन से भले ही मिट गए हो, पर हमारे दिल में अभी भी ताजा है।
हमारे अपमान की जो आग आपने जलाई है उसके एक एक दिन का हिसाब है इसमें। मित्र, ये कैसी लकीर है मित्र? ये लकीर है, ये लकीर है हमने उस दिन से खींचना आरंभ कर दिया था जिस दिन से हमारा अपमान राज दरबार में गोले मार कर किया गया था। ये लकीरें हमें उस अपमान को जीवित रखने में सहायता देती है। किंतु इन लकीरों से क्या तात्पर्य है तुम्हारा, और वो भी रक्त से? तात्पर्य नहीं है, सूचक है, सूचक ये बता रहे हैं कि जिस दिन मैंने कसम खाई थी कि मिनाल बुआ का मानी खेत में पतन शीघ्र शुरू होगा, उस दिन से लेके आज तक कितने दिवस बीत गए हैं, और जिस दिन मृणाल बुआ को मानिकेट से निष्कासित किया जाएगा उस दिन हमारा प्रतिशोध पूरा होगा। मृणाल बुआ का अपमान, मृणाल बुआ का अपमान, पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ ने अच्छी शत्रुता निभाई, उसने हमारा कार्य आसान कर दिया। हम उसे शीघ्र मिलेंगे और मिलकर आभार प्रकट करेंगे, और ये रक्त तो हमें बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, क्या अब तक हमारी ध्वनि पहुंच रही है? कृपा करके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। यदि बोलना संभव रही तो हाथों के संकेत से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, हे प्रभु, एक विनती है हमारी तुमसे। पिताजी, आप आदेश करें। मान्यखेट और मालवा की नफरत को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मालवा और मान्यखेट के बीच केवल एक ही रिश्ता संभव है, और वो है शत्रुता का। चिंता मत कीजिए, आप अपने ही कक्ष में हैं। आपके मूर्छा से हम भयभीत हो गए थे, आपकी चेतना देखकर हमें बल मिला है। आप विश्राम कीजिए, हम औषधि लेकर आते हैं। कुछ विशेष चिंताजनक? ऐसा क्या लिखा है इसमें? ये तो अश्लीलता है। छोटे मोटे राजाओं की इतनी हिम्मत की राजकुमारी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव भेज रहे हैं। ये तो स्थिति का फायदा उठाया जा रहा है। चालुक्य वंश का अपमान है ये दानवराज। इस तरह सत्य से भागकर कहां जा रहे हैं? भाग नहीं रहा हूं,
घोषणा करने जा रहा हूं कि आज के बाद मान्यखेट की राजकुमारी पर किसने लांछन लगाया तो वो जीवित नहीं बचेगा। कितनों के मुंह बंद कर लेंगे आप तेरा आज? किस किस को मृत्युदंड देंगे? इस तरह सबको मारते रहे तो शासन किस पे करेंगे आप? तो क्या करूं मैं? अश्लील बातें करने वालों का सम्मान करता रहूं? नहीं, तैलपराज इसका निदान करें सदा सदा के लिए। कैसे कैसे विक्रमजीत? तैलपराज मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, किंतु ये जो हालात हैं उसके अनुसार तो राजकुमारी जी को राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए। इसी में मानिखेट की भलाई है तैलपराज। उठा के लेके जाओ इसे। सुलोचना जी, सुलोचना जी, जी? ये पट्टियां किसके लिए हैं? राजकुमारी मृणाल के लिए। मृणाल बुआ? क्या क्या हुआ मृणाल बुआ को? आप आइए हमारे साथ। और पृथ्वी वल्लभ जी, उन्हें कहाँ रखा है? नहीं, हम तो सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहे थे। विलास, अगर आप सबके सामने ऐसी बात करेंगी तो एक ही दिन में ना केवल हमें सेवा से मुक्त बल्कि राज्य से निष्कासित और मृत्युदंड भी दे दिया जाएगा। सुलोचना जी, आपको लगता है कि कोई आपको सेवा से मुक्त, राज्य से निष्कासित या मृत्युदंड दे सकता है? सुलोचना जी, बता दीजिए ना पृथ्वी वल्लभ को कहाँ रखा है। बताइए ना सुलोचना जी, उन्हें कहाँ रखा है, बताइए ना। विलास, तो आप बिना जाने नहीं मानेंगे। इधर आइए। अब चलिए राजकुमारी के पास। मृणाल बुआ, हुआ ये कैसे हुआ? आपको ये जख्म कैसे लगे? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसे जख्म लगते रहते हैं। आपको यहां आने की आवश्यकता नहीं थी। राजकुमारी जी, पृथ्वी वल्लभ को होश आ गया। मृणाल बुआ, आप हमारे पीछे नहीं आएंगे। कितना रक्त बह गया है, ये तो बहुत चिंताजनक है। दवा की सुलोचना,
राजकुमारी जी, इनकी अवस्था बहुत गंभीर है। किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट मृत्युदायक हो सकती है। आपका दायित्व है उपचार करना, परामर्श नहीं। ऐसी प्रेम देता तेरे पास होने का एहसास देता।